दोस्तों, अगर आप भी एक नए यूट्यूबर और अपने यूट्यूब वीडियोस को अपलोड करते हो डेली यूट्यूब के ऊपर, बट फिर भी आपके वीडियो पर व्यूज़ नहीं आता है या फिर बहुत कम आता है, दोस्तों इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है, आपके वीडियो पर व्यूज़ क्यों नहीं आ रहा है, क्यों आपके वीडियो पर व्यूज़ कम आ रहा है? या तो आपने वीडियो अपलोड करने में कुछ गलती की है या फिर आप वीडियो अपलोड ही कुछ गलत तरीके से कर रहे हो। बट मैं इस बात को इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकता हूँ? इस बात को मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने भी यूट्यूब के ऊपर 4 सालों से काम किया है। यूट्यूब के ऊपर 4 सालों से मैं वीडियो अपलोड कर रहा था, बट अपलोड करने का जो तरीका था तो वो गलत था। तो सही तरीका क्या है, सही तरीका YouTube पर वीडियो अपलोड करने का क्या है, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों, मैं सिर्फ यही नहीं बताऊँगा कि आप YouTube के ऊपर सही तरीके से वीडियो अपलोड कैसे कर सकते हो, बल्कि आज मैं ये भी बताऊँगा कि आप कैसे YouTube पर वीडियो अपलोड करने के बाद डिस्क्रिप्शन, टाइटल और टैग सही तरीके से कैसे डाल सकते हो, कहाँ से डाल सकते हो, A to Z मैं आपको वीडियो अपलोड करने से लेकर वीडियो SEO करने तक, वीडियो पब्लिक करने तक मैं आपको सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंच के। तो यहां से वीडियो को शुरू करते हैं और चलिए जान लेते हैं कि आप कैसे यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर सकते हो, सही तरीका क्या है यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने का, चलिए देख लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे साइड में मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो चुका है, तो आप एग्जैक्टली देख सकते हो मैं यहाँ पे क्या कर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जान लेते हैं कि आप कैसे वीडियो को अपलोड कर सकते हो, सही तरीका क्या है अपलोड करने का, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने YouTube को ओपन कर लेना होगा, क्योंकि वीडियो हम YouTube से ही अपलोड करते हैं, लेकिन सही तरीका क्या है अपलोड करने का वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अपलोड कैसे करते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो प्लस का जो आइकन है ये वाला, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अपलोड अब वीडियो के ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है, और यहाँ से अपना कोई भी एक वीडियो यहाँ से अपलोड कर लेते हैं। लेकिन हम लोग अपलोड करेंगे सिर्फ इसी तरीके से करेंगे, लेकिन करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। चलो फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक वीडियो यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ, इस वीडियो को मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ, इस वीडियो को, ठीक है, इस वीडियो को मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे इस वीडियो को अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। अपलोड कैसे करोगे, पहले हम लोग क्या करते थे कि डायरेक्ट यहाँ पे वीडियो लाया, ठीक है, अपलोड कर दिया, अपलोड के बटन पे दबा दिया, अपलोड हो गया। तो YouTube, आपने देखा होगा जब भी हम ऐसे अपलोड करते हैं तो YouTube की तरफ से मतलब ये कुछ डेट है वहाँ पे लिखा हुआ आता है, यहाँ पे टाइटल होता है वहाँ पे डेट लिखा देता है। तो YouTube को पहले बताना होगा कि हम लोग अपलोड किस लिए कर रहे हैं, इसका टाइटल क्या है, इसको कहाँ YouTube को भेजना चाहिए, YouTube इसको कहाँ से भेजेगा, YouTube को सबसे पहले ये बताना होगा। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हम इसका जो टाइटल है उसको लिख लेना हो, इस किस टॉपिक से रिलेटेड है ये वीडियो, किस टॉपिक से रिलेटेड है ये वीडियो, किस टाइप इसका टाइटल क्या होना चाहिए। तो चलिए मैं इसका जो टाइटल है वो एग्जांपल कुछ भी यहाँ पे लिख देता हूँ कि हाउ टू मेक इंस्टाग्राम अकाउंट, एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ एग्जांपल के लिए, ठीक है, इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है। और इसके बाद हमें इन हिंदी लिख देते हैं, इन हिंदी 2023, ठीक है। अब हमें एक टाइटल हमने लिख दिया, ठीक है, टाइटल हमने एक लिख दिया, आप चाहो तो दो लिख सकते हो, मैं एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे एक लिखता हूँ। देन इसके बाद हम क्या करना है कि इसको हमने कॉपी कर लेना होगा, कुछ इस तरीके से हमें इसको कॉपी कर लेना होगा। कॉपी करने के बाद हमें डिस्क्रिप्शन को ओपन करना है, डिस्क्रिप्शन को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, इतना हो गया। अब आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ से थंबनेल लगा सकते हो, ठीक है, तो यहाँ से आप थंबनेल भी लगा सकते हो, मैं यहाँ पे वाइट स्टूडियो में थंबनेल लगाऊंगा। देन यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन पर यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे हमारा देख सकते हो हमारा जो वीडियो है वो यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों देख सकते हो हमारा जो वीडियो है वो यहाँ पे अपलोड हो चुका है, यहाँ पे लिख रहे रेडी टू वॉच। अब हमें करना क्या है, अब हमें सिंपली यहाँ पे वाइटी स्टूडियो यहाँ पे आपको ओपन कर लेना होगा, ठीक है, वाइटी स्टूडियो है उसको हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे सिंपली। यहाँ पे ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या है वो चलिए देख लेते हैं। देख सकते हो हमारा वाइटी स्टूडियो ओपन हो चुका है, कंटेंट में आना है, कंटेंट में आने के यहाँ पे देख सकती हूँ यहाँ पर एक वीडियो आ चुका है हमारा, हाउ टू मेक इंस्टाग्राम अकाउंट इन हिंदी 2023। अब हमें करना क्या है, अब हमें बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब हमें करना क्या है, पेंसिल वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है सिंपली। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें सबसे पहले करना क्या है कि हमें सबसे पहले एक अच्छा सा टाइटल लिखना होगा, एक अच्छा सा टाइटल लिखना होगा। टाइटल हम कहाँ से लिखेंगे,
हमें एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिखना होगा, वो आप अपने अनुसार लिख सकते हो कि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे डिस्क्रिप्शन को कि आप कैसे इंस्टाग्राम अकाउंट बना सकते हो। अगर आप भी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना चाहते हो तो आप कुछ इस तरीके से इंस्टाग्राम अकाउंट बना सकते हो। वीडियो पूरा देखिएगा, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा स्टेप बाई स्टेप। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस तरीके से लिख सकते हो। देन यहाँ पर हम जानेंगे कि आप टैग कैसे लगाओगे, जो थर्ड पार्ट रहेगा उसमें टैग। फर्स्ट पार्ट कि हम टाइटल देंगे कहाँ से लगेंगे, सेकेंड डिस्क्रिप्शन एंड थर्ड टैग। ठीक है, तो हमें सबसे पहले करना क्या है कि हमें सबसे पहले टाइटल को फाइंड करना है। तो टाइटल हम कहाँ से फाइंड करेंगे, बैक आ जाना है होम पेज पे एंड फिर से हमें यूट्यूब के ऊपर जाना है एंड यूट्यूब पे सर्च करना है। हमें खुद हम टाइटल खुद यूट्यूब दे देगा, यूट्यूब खुद टाइटल देगा आपको। तो हमें सर्च क्या करना है, इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे बनाए। ठीक है, हमें इतना बस सर्च करना है, देन सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देख सकते हो यहाँ पे हम जब जैसे हम सर्च कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस देखने को मिले, यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगे। इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे बनाएं 2023, इंस्टाग्राम आईडी कैसे बनाएं। तो हमें करना क्या है कि हमें करना क्या है कि हमें इनका जो टाइटल है ना उसको कॉपी कर लेना, सिंपली इनका जो टाइटल है उसको यहाँ पे सिंपली कॉपी कर लेना। तो कॉपी कैसे करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे बनाएं, सिंपली यहाँ पे हमें लिख देना है कैसे बनाएं 2023। देख सकते हो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे आ रहा है, देख सकते हो फर्स्ट नंबर पे। तो हमें करना है कि इस एरो के ऑप्शन पर क्लिक करना है, देन यहाँ पे डबल क्लिक करना है, देन कॉपी के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। देन हमें फिर से अपने YT स्टूडियो में आना है, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करना है एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना है। देख सकते हो हमारा जो एक टैग है वो यहाँ पे आ चुका है, एक टाइटल। तो हमें इस तरीके से टाइटल बना लेना है इस तरीके से। ठीक है, अब हमें करना है एक और टाइटल चाहिए हमें। ठीक है, अब हमें इसको पूरा ख़त्म करेंगे, इस पर लिखेंगे इंग्लिश में, एक हिंदी में हो गया, एक इंग्लिश में चाहिए और एक आप रैंडम डाल सकते हो। तीन टैग आपको डालना है अपने टाइटल में। तो चलिए लिख लेते हैं कि हाउ टू क्रिएट इंस्टाग्राम अकाउंट। देख सकते हो सबसे फर्स्ट नंबर पर हाउ टू क्रिएट इंस्टाग्राम अकाउंट, डबल क्लिक करना है, कॉपी करना है एंड इसमें आ जाना है, इसको पेस्ट यहाँ से कर देना है सिंपली। अब हमें क्या करना है, फिर से इसको एक बार फाइल लगाना है एंड इसको फिर से बैक आना है, यूट्यूब पे आना है। अब लिखना है कि हमें इंस्टा आईडी कैसे बनाए। देख सकते हो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, डबल क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, अब इसको YT स्टूडियो में आएंगे एंड इसको पेस्ट कर देंगे। देख सकते हो हमारा जो टाइटल है वो यहाँ पे लग चुका है, हमें हम 2023 यहाँ पे लगा देते हैं, फिर से 2023 देख सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो टाइटल है सो कम्प्लीटली यहाँ पे हमारा जो टाइटल है वो बन चुका है और बहुत अच्छा रैंकिंग टाइटल है और इस पे आपका वीडियो जो है वो 100% रैंक करेगा। तो गाइस देख सकते हो इस तरीके से आप टाइटल लिख सकते हो अपने किसी भी वीडियो का, मैंने एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको आपको क्या करना है कि आपको इसको डबल क्लिक करना है एंड पूरा सिलेक्ट कर लेना है एंड कॉपी करना है एंड डिस्क्रिप्शन को ओपन करना है एंड डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा इसको भी सिलेक्ट करना है एंड पेस्ट कर देना है। देख सकते हो हमारे डिस्क्रिप्शन में टाइटल आ चुका है, डिस्क्रिप्शन में आपका टाइटल होना चाहिए। ठीक है, एंड अब हम इसमें क्या लेंगे कि वीडियो अबाउट वीडियो। ठीक है, अब यहाँ पे हम डैश देकर लिखेंगे कि हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने बताया है कि इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे बनाएं, तो वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँ, सो वीडियो बहुत थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आप वीडियो पूरा देखिए क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अगर आपको पता होगा तो आप जान पाओगे। वीडियो स्किप करके देखोगे तो भाई आप देखने का कुछ फ़ायदा है नहीं। ठीक है, अब हमें इसमें भी डिस्क्रिप्शन में कुछ करना है। ठीक है, यहाँ पे करना क्या है कि हमें यहाँ पे टॉपिक्स लिखना है, टॉपिक्स कवर। यहाँ पे टॉपिक्स कवर, आपने क्या क्या टॉपिक्स को कवर किया वो हम लिखेंगे। ठीक है, हो गया। एंड यहाँ पे हमें करना क्या है कि इसके नीचे जो है ये वाला, ये सब इसके नीचे हम ना टैग जो हम डालेंगे ना उसको यहाँ पे डालेंगे। ठीक है,
देखते रहिए आप वीडियो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आपके लिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, अब आपको डिस्क्रिप्शन हो गया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हो गया, अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में हम और कुछ ऐड करेंगे, वो क्या करेंगे आगे मैं बताऊँगा। डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है, एंड यहाँ पे अब क्या करना है कि टैग ऐड करना है। टैग हम कहाँ से फाइंड करेंगे। टैग फाइंड करने के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि आप टैग को कैसे फाइंड कर सकते हो, टैग आप कैसे फाइंड कर सकते हो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो मैं फिर से मैं बता दूँगा आपको आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपना जो क्रोम है उसको आपको ओपन कर लेना है, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है रैपिड टैग्स। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया हुआ है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो, वो डेडिकेटेड व्यू है, यहाँ मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको टाइटल को यहाँ पे कॉपी करके डाल देना है, तो मैं यहाँ पे चलो डाल देता हूँ कि इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे बनाएं, ठीक है, एंड यहाँ पे सर्च कर लेना है। देख सकते हो बहुत सारे टैग आ चुके हैं जो कि रैंकिंग टैग हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे बनाएं, इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे बनाएं 2023 जो कि फर्स्ट नंबर पर रैंक कर रहा था, आपने देखा यूट्यूब सर्च में फर्स्ट नंबर पर था। तो ये जितने भी रैंकिंग टैग है जो कि आपके वीडियो को रैंक करा सकता है वो सारा का सारा टैग यहाँ पे आ चुका है। तो हमें करना क्या है, अब हमें करना क्या है कि इसको यहाँ पे सिंपली कॉपी कर लेना है। कॉपी हो गया, कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे आना है टैग वाले में आपको आना नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन में आपने आना है एंड यहाँ पर टॉपिक्स कवर में आपको इसको सिंपली पेस्ट कर देना है। देख सकते हो कुछ इस तरीके से पेस्ट हुआ है, तो आप कॉमा जो है उसको हटा सकते हो, कुछ इस तरीके से कॉमा जो है उसको हटा दो और हटाते जाओ आपका टैग बनते जाएगा, ठीक है, इसको हटाते जाओ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँ, जैसे मैं अपलोड करता हूँ सिंपली मैं आपको उसी तरीके से बताता हूँ, तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने भी बताया है लेकिन मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूँ, जैसे मैं अपलोड करता हूँ मैं आपको वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से कॉमा को हटा लेना, सारे के सारे कॉमा को आपको सिंपली यहाँ पे हटा लेना है। कॉमा हटाने के बाद आपको यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे एक हैशटैग डाल देना है, हैशटैग इंस्टाग्राम हो गया। फिर से यहाँ पे एक हैशटैग डाल देना है, हैशटैग इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे बनाएं और अपने नेम का जो चैनल का जो नेम है उसका हैशटैग डाल देना है विकी के टेक, सिंपली यहाँ पे हो गया। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, चलिए वो जान बता देता हूँ। अब आपको करना क्या है, आपको आपका जो देख सकते हो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे कम्प्लीटली यहाँ पे बन चुका है। अब आपको यहाँ पे अपना जो टैग है वो यहाँ लगाना है, तो टैग लगाने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली एक एक टैग को यहाँ पे कॉपी करना है, कुछ इस तरीके से कॉपी करना है एंड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते जाना है, ठीक है। सिंपली आपको कहीं नहीं जाना है, यहीं से आपको टैग को कॉपी करना है, कुछ इस तरीके से कॉपी करके आपको यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देना है, ठीक है। आपको कॉपी करना है, कॉपी कर करके पेस्ट करना है, देख सकते हो वन बाई वन आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप टैग लगा लेना। अब आप देख सकते हो हमारा जो वीडियो है वो पूरा कम्प्लीटली यहाँ पे SEO हो चुका है इसका, एंड यहाँ से आप थंबनेल लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे थंबनेल बनाया नहीं है लेकिन आप थंबनेल लगा सकते हो कुछ इस तरीके से, जैसे मैं आपको लगा कर दिखा रहा हूँ, आप कुछ इस तरीके से लगा सकते हो। चलो मैं आपको यहाँ पे कोई भी एक फ़ोटो लगा कर दिखा देता हूँ, तो मैं यहाँ पे इस फोटो को लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से, देख सकते हो, डन। यहाँ से हमारा जो थंबनेल है वो भी लग गया। मैं एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली ये थंबनेल थोड़ी है, इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे बने वो आप थंबनेल बना लेना, मतलब उस पर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, 3-4 वीडियो मैंने बनाया है कि थंबनेल कैसे बनाएं, बहुत अच्छा वीडियो आप जाकर देखना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मैं दे दूंगा, ठीक है। एंड यहाँ से हमारा जो SEO है वो कम्प्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने वीडियो है वो यहाँ से
सेव कर लो और आप अपना वीडियो जो है इस तरीके से आप अपलोड किया करो, इस तरीके से SEO किया करो जैसे मैं आपको करके बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे पब्लिक किया नहीं है, आपको सिंपली यहाँ से पब्लिक कर लेना है, बट मैं यहाँ पे अभी पब्लिक करूँगा ना बिकॉज मेरा पब्लिक करने का एक अलग टाइम होता है। मैं टाइम किस टाइम पे पब्लिक करता हूँ वो आपको पता ही होगा अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर और रेगुलर व्यूअर्स हो तो, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से प्रोफेशनली और बहुत ही अच्छे से वीडियो अपलोड कर सकते हो और आपके वीडियो पर व्यूज आने का चांस ही बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे टैग जो फाइंड किया है वो रैपिड टैग से फाइंड किया है एंड जो SEO किया है वो बहुत ही अच्छा किया है एंड YouTube से मैंने ट्रेंडिंग टाइटल यहाँ पे फाइंड किया है और यहाँ पे मैंने लगाकर सिखाया हूँ कि आप कैसे लगा सकते हो। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो मैंने आपको लिए बना दिया है। तो आप मेरा एक काम कर दो, अगर आपको ये वीडियो 1% भी अच्छा लगता है या फिर थोड़ी सी वैल्यूएबल मिली है, थोड़ा सा भी वैल्यू आपको मिला है इस वीडियो में, तो ये लाइक कर दो, वैल्यू नहीं मिला डिसलाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो इस तरीके से यूट्यूब वीडियोज़ को रेगुलर देखने के लिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप मेरे ऑडियोज़ को एंजॉय कर सकते हो।